हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से जी। मैं मुझे डॉक्टर मुझे अजहर साहब ने नंबर दिया आपका। मुझे एक्चुअली वो हमने कुर्बानी के लिए कोई बकरे लिए थे, तो उसका कुछ पूछना था मुझे एक चीज का, कि वो बकरा बीमार हो गया था, तो उसका मशवरा आपसे लेना था जी, क्या हो गया उसको? बस उसको कुछ नहीं, वो हम लाए हैं ना तो कुछ खा पी नहीं रहा बिल्कुल, पिछले कोई एक आध हफ्ते से तो अभी खा भी नहीं रहा था, और आज उसको कुछ थोड़ा सा जुकाम हुआ है, ठीक। तो बस उस हवाले से पूछना था कि मैंने कहा उसको क्या चीज दी जाए। कोई हमने एक तो इंजेक्शन भी उसको लगाए थे, वो कोई लिक्विड भी पिलाया था, लेकिन वो मतलब फर्क नहीं पड़ा। खाता है बहुत मामूली सा, खाता है घास सा खा लेता है थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं तो खाता नहीं है, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। जाहिर है वो जो जहाँ से जब लाते हैं ना, तो जी जी वो वहाँ पे वो लोग बाहर चराई करते हैं, और वो उनकी आदत डिफरेंट होती हैं, उनकी खुराक डिफरेंट होती है, जो आदि होता है जिस चीज़ का, वो उसको जब नहीं मिलती तो वो बीमार हो जाता है। जब जो ही बंदा, कहाँ से लेके आए हैं आप? कोई नहीं, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वो भी आप इस तरह करें, एक सेलाइन लेक्चरी बना के रख लें, या अगर आप खुद बना सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं है तो मार्केट से भी आप बाज़ार से भी सेलाइन लेक्चरी ले आएँ। ये जब नज़ला ज़ुकाम खांसी वगैरह हो तो उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है? सेलाइन लेक्चरी है, लेकिन इसका मैं बहुत ही जो सिंपल सा एक इसका तरीक़ा है वो बताता हूँ, और उसमें जो है चीज़ें को ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अलसी वगैरह ला के, अलसी है, मलट्ठी है, गुड़ है, हैं और नौशादर है, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो डाल के आप वो घर में ही सेलाइन लेक्चरी बना के रख लें। इनको ज़ुकाम हो, नज़ला हो, तो फौरन वो इसको वैसे भी देते रहें तो वो नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, ठीक है? और ठीक है, तो ये बना बनाया जो है ये किसी पसारी की दुकान से मिल जाएगा? ये आप रहते कहाँ हैं इस्लामाबाद में? मैं एक्चुअली वाकेंड में रहता हूँ जी, वाकेंड पे। ये इस्लामाबाद है जी, थोड़ा सा आगे चले जाएं, अटक चले जाएं, तो फिर भी कहें मैं इसे, आप अटक के करीब हैं तो आप इस्लामाबाद कह रहे हैं, मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जान इस तरह की बात ना करें, मेरी बात सुने, जहाँ के हैं वहीं आपको उधर ज़रात की चीज़ें मिल जाती हैं, ये वेटनरी वालों की शॉप्स हैं वहाँ से मिल जाती हैं। अगर नहीं है तो अगर जी वेटनरी वालों की शॉप है जी यहाँ पे, तो अगर है तो वहाँ पे चले जाएं, उनको लिख लें सेलाइन लेक्चरी, ठीक है सेलाइन लेक्चरी उधर से ले लें, साथ उन्हीं से ही, चूंकि आप मुझे नहीं लगता कि आप कोई प्रैक्टिकली आप खुद चीज़ें बना सकेंगे, और ना ही आपके बस की बात है, कहाँ जाके अलसी लेंगे, कौन सी चीज़ें खरीदेंगे। चीज़ें बेहतर है बनी बनाई ये ले लें, एक कोलिक ले आए वहीं से, हाजमे का मिक्सचर होता है, कार्बिनेटिव मिक्सचर, कोलिक लिख लें, ठीक है और थोड़े से चीज़ें तकलीफ दूंगा आपको। ये वैसे सेलाइन लेक्चरी को इतनी मुश्किल नहीं है, अगर आप ये बना के रख लेंगे तो फ़ायदा ही होगा। अलसी ले लें, अलसी के सीड मिल जाते हैं वहाँ से, मिल जाएंगे, अलसी ले आएँ, मलट्ठी ले आएँ, ये पीसी भी मिल जाती है, मलट्ठी, अलसी, मलट्ठी, इसी तरह अमोनियम क्लोराइड होता है नौशादर, वो मिल जाती है, गुड़ मिल जाता है, ये तीन चार चीज़ें हैं, ये इकट्ठी करके मिला के ये सेलाइन लेक्चरी बन जाती है। ये इनको कोई 20 ग्राम रोज़ाना हर बकरे को दे दें, उनका नज़ला ज़ुकाम तो कम अज़ कम ये कंट्रोल हो जाएगा ना, खांसी वगैरह भी नहीं होगी, ठीक है?
और अगर नहीं कर सकते तो वहाँ से ले आए सेलाइन लेक्चरी ले आए, और कोलिक ले आए COLIC हाजमे का। और तीसरा ये है कि बच्चों को या खुद भी रोटियां नहीं इनको खिलानी, ना ही पानी पिलाना है इसके, रोटी के बाद खिले रोटियां। कई दफा किसी ने रोटी खिला भी दी तो पानी नहीं, फौरन मेरा फारा हो जाएगा, उनका पेट फूल जाएगा, फिर आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ा मसला हो गया। तो मेरी जान, ये आप उसके लिए भी इमरजेंसी में, फिर बाद में भागेंगे दौड़ेंगे अगर वो फारा हो गया, तो बेहतर ये है कि दो तीन चीज़ें घर में ला के रख लें। एक सरसों का तेल रख लें, एक तारपीन का तेल रख लें, ठीक है जी, सही और एक हींग ले आए वहाँ से पंसार से, है ठीक हाँ ये रख लें। और इनको डाल के जब अगर खुदा ना खास्ता पेट फूल जाए इनका, तो ये मेरे प्रोग्राम्स देखेंगे उसमें मैंने मकदार दे रखी है कितनी कितनी ये है। चीज़ें तीनों डाल के, अफारा अगर हो जाए तो उसमें ये करते हैं, फिर परेशानी से बच जाता है ना इंसान। और अगर वो कुछ भी ना, उनका हाजमा ठीक रहे, गाय बगाहे कोलिक ला के वो देते रहें कभी कभी। ठीक है। और ये सिलाई लेक्चर जो है ये देने का तरीका क्या है, तो कितना कितना ये कितना जिस समय तरह कितना? है ना, ये बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह आपके गुलकंद टाइप नहीं होती, इस तरह की शक्ल होगी इसकी, बन ठीक जाएगी। है और ये आपने कोई उसको चम्मच से या वैसे रखेंगे, कोई चीज़ खा लेंगे फटाफट, ठीक दस है, चम्मच से खिला देनी है। ठीक हाँ 20 ग्राम आप खिला दें, 10 ग्राम खिला दें, 20 ग्राम खिला दें, है सुबह ठीक है। दोपहर शाम। इसको जिसका नज़ला है या बुखार है या खांसी है, बुखार होगा तो उसके लिए तो अलग है, वो भी आपको आसान से तरीका बताता हूँ तो क्यों बुखार ठीक। की वैसे निशानी क्या है, मतलब आप घर पे हमें कैसे पता लगेगा उसको बुखार है कि नहीं है? ठीक अगर बुखार हो जाए ना तो फिर वो एक तो नंबर 1 खाना पीना बंद कर देते हैं, जुगाली बंद कर देते हैं, फिर आप देखेंगे कान उनको छुएंगे, कान को पकड़ेंगे या वो तो आपको गरम गरम नजर आएंगे लगेंगे, ठीक है ना, अच्छा ये बुखार की। ठीक है। और या क्योंकि थर्मामीटर कहाँ आप यूज करेंगे या क्या, खाना पीना तो बंद किया हुआ है ना उन्होंने। तो बस इसका मतलब अगर बुखार भी है तो फिर उनको पैरासीटामोल या पैनाडोल की गोलियां, दो दो गोलियां वो पानी में घोल के सिरिंज के साथ ही पिला दें। जब सिरिंज के ठीक है साथ ठीक पिलाना है या कोई चीज़ भी पिलानी होती है, इनकी जबान नहीं पकड़नी होती, याद रखें। वहीं जब जाएंगे वो मेडिकल वाले मेडिकल शॉप से या जहाँ आपके वेटरनरी वाली दवाएं दुकानें हैं, और उनसे ठीक है। आप पूछें कि यार आपके पास कोई ड्रेंचिंग गन है, वो ड्रेंचिंग गन रख लें, एक छोटी सी मिल जाएगी, बड़े जानवरों की लेदर ड्रेंचिंग गन्स होती हैं और छोटे वाले की लेदर होती हैं, वो ड्रेंचिंग गन आप ये इस्तेमाल करेंगे ना मेरी जान, तो वो उससे यह है कि उनका ड्रेंचिंग नहीं होगी, यानी सांस वाली नाली में नहीं जाएगी दवाई, ठीक ठीक है है। ये सही है, बिस्मिल्लाह ठीक बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर बहुत एकदम करेगा, बहुत ठीक एकदम है। कोई बहुत मसला एकदम हो प्रोग्राम्स देखेंगे ना तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अभी मेरे अभी तो मैं कॉल्स के लिए ऑन किया है, ज़रा सुबह मैं शिप इसी पे काम कर रहा था, तो 10-12 प्रोग्राम मैंने सुबह शीप फार्मिंग के बारे में वो किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो सही अभी है मैं सही है। खुला है आज प्रोग्राम, आप कोई मसला हो ना मिले दवाई वाले दुकान पे भी चले जाएंगे, तो वहाँ अगर भूल भी जाएंगे सिलाने लेक्चरी यार कहा था डॉक्टर साहब ने, तो सिलाए सही वहाँ अगर याद ना भी आए वहाँ से मुझे टेलीफोन कॉल करके आप पूछ लें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाह बहुत बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। और इस्लामाबाद और हसन अब्दाल में बड़ा फर्क है मेरी जान। ओके नहीं, अली मैं असल में कोई इस्लामाबाद बात में जॉब नहीं, करता हूँ, कोई मैं बात, इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ, अच्छा जॉब तो करते हैं, घर ठीक, मेरा, घर मेरा वहां पर है। ठीक है अच्छा, माशाल्लाह, चले ठीक दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह, हाफिज, अल्लाह ठीक हाफिज। है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत अबू हरेरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो भी नबी भेजा
उसने बकरियां जरूर चराई। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हम ने अर्ज किया, और आपने भी? आपने फरमाया, हाँ मैं चंद कैरात के एवज अहले मक्का की बकरियां चराया करता था। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें, फीमा अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।